हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम3 एकेडमी। और आज हमारे साथ में है डॉक्टर स्वाति, नीट पीजी एस्पिरेंट्स। उनका क्वेश्चन था कि क्या सर आप किसी भी एमसीक्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो पढ़ते टाइम डिफिकल्ट होते हैं। तो आज हमारे साथ में उपस्थित है डॉक्टर स्वाति। हेलो डॉक्टर स्वाति, हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपका क्या क्वेश्चन था बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन था कि ए इंटर्न, ये एक क्वेश्चन है जो कि नीट पीजीस में और INICT काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सर, इसमें जो एक लैंडमार्क है वो आप मुझे निमोनिक्स के थ्रू समझा सकते हैं क्या? तो अच्छा, ये क्वेश्चन क्या आया था? यस, ए इंटर्न वाइल असिस्टिंग ए सर्जरी ऑफ लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर, सर्जन डिसेक्ट सर्टन एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स टू एक्सपोज द ट्राइंगल ऑफ डूम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए बाउंड्री द ट्राइंगल? इसके जो ऑप्शंस है वो है गोनाडल वेसल्स, वास डिफेंस, कॉर्पस लिगामेंट, पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें आपको क्या कंफ्यूजन होता है? सर, ये जो ट्राइंगल ऑफ डूम का बता रहे हैं तो ये जो इसके याद करने में, बाउंड्रीज याद करने में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, साथ में ये किसी न और ट्राइंगल के साथ भी कंफ्यूजन जैसे में कि आता आपको है। पेन के साथ कंफ्यूज करता यस, हूँ। तो आप प्लीज इनका निमोनिक भी दीजिए हमें और हम इन दोनों को डिफरेंस कैसे कर पाए ये भी थोड़ा सा अगर आप बताए तो बहुत तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जब एग्जाम में आपके पास में बुक है ना, टेप है, और वहां पर सिर्फ आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, बट अपने को आंसर स्कोर करना है, सेकंड्स में आंसर लगाना है, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ, तो कैसे अपन लगा पाएंगे? तो आप एग्जाम में अपने पास बस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्राइंगल ऑफ डूम, तो कितना अच्छा हो केवल डूम पढ़ के आप इसकी बाउंड्री बता दो। सर बहुत अच्छा है, ये तो कुछ कह ही नहीं ठीक है, सकते फिर। देखो ट्राइंगल ऑफ डूम आपको बस पढ़ना है, डूम कहाँ से शुरू हुई है? डी से, डी से तो कहाँ पे एंड है? एम एम, से। डी का मतलब होता है डिफरेंस और एम का मतलब होता है मीडियल। तो एक ओके, चीज तो आपने याद कर ली, मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? डिफरेंस वाज वाज डिफरेंस, यस वाज डिफरेंस। ये डोम शेप, देखो डायग्राम कैसा है, डोम शेप, ओके और गोल डोम शेप कैसा होता है? राउंडेड गोल। या ठीक है, ओके गोल गोल कहाँ से शुरू होता है? जी से एंड एल पे। तो जी का मतलब क्या होगा गोनाडल वेसल्स और एल का मतलब? लेटरली तो अपन ने ओके मीडियल बाउंड्री भी याद कर ली, लेटरल बाउंड्री भी याद कर ली। ठीक, ओके तो यहाँ डायग्राम देखो आप, मीडियल बॉर्डर क्या बना रहे हैं यहाँ पे? ठीक वास डिफरेंस है, ओके डूम, और लेटरल बॉर्डर कौन बना रहे हैं? गोनाडल वेसल्स वेसल्स, गोल। ओके या ठीक है, तो केवल आप डोम, डोम से दिमाग में आया गोल, और डोम और गोल से आपने इसकी मीडियल और लेटरल बाउंड्री याद कर ली। या अच्छा, अभी तो क्वेश्चन ये आया था कि बाउंड्री कौन बनाता है, अब इसके कंटेंट पूछते तो। यस सर, कंटेंट्स भी आते ही आई ठीक थिंक। है, तो देख उसका भी ट्रिक बता देते हैं। कंटेंट्स में ट्रायंगल ऑफ डूम, डूम डी के बाद अल्फाबेट में क्या क्या आते हैं? ई एफ जी। जी ठीक है, बस ओके इतना ही, रुक जाओ ओके यही था। तो डी ई एफ जी, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर है डी से। यस तो डी का मतलब यहाँ पे होगा डीप सर्कमफ्लेक्स इलाइक वेन, ई का मतलब एक्सटर्नल इलाइक वेसल्स। तो शुरू की जो डी और ई है वो तो होगी वेसल्स, उसके बाद की जो दो है वो है नर्व। ठीक है, एफ, एफ का मतलब फेमोरल नर्व, तो जी का मतलब जेनाइटल ब्रांचो जेनाइटो फेमोरल नर्व। ओके जेनाइटो फेमोरल जो नर्व होती है उसकी दो ब्रांच होती है, एक जेनाइटल और एक फेमोरल। तो जेनाइटल ब्रांच तो यहाँ आ जाती है, कैसे याद रखेंगे? डी एफ जी, जी का मतलब जेनाइटल, जो फेमोरल आएगी वो ट्राइंगल ऑफ पेन में आएगी। ठीक ओके है, तो होप ये ट्राइंगल ऑफ डूम इजी हो गया, कौन मीडियल बाउंड्री है, कौन लेटरल बाउंड्री है, और क्या इसके कंटेंट है। इसका जो इंफीरियर है वो क्या कौन बनाता है? पेरिटोनियल बॉर्डर। अच्छा, आपके पैर किस तरफ रहते हैं नीचे की तो तरफ इंफीरियर बनाएगा, और आपने डोम देखा होगा जो मंदिर के डोम होते हैं उसके ऊपर झंडा होता है, रिंग होती है, तो सबसे ऊपर कौन होगा? डीप रिंग। डायग्राम में देख सकते हैं डीप रिंग, तो ट्राइंगल ऑफ डोम क्लियर हो गया। यस सर, इट्स वेरी मच। अगर मतलब इस तरीके से याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हम भूल पाएंगे इसको। फिर भी आप एक और ट्राइंगल से इसको गलत करते हैं, ट्राइंगल ऑफ यस पेन। यस ठीक है, बहुत तो उसे भी इजी कर लेते हैं। ट्राइंगल ऑफ पेन दूसरा नाम क्या है इसका? आई थिंक इलेक्ट्रिकल है जार जोन। या ठीक है, आपके घर में इलेक्ट्रिकल मगे देखा है? क्योंकि यस वो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल मग, तो उसे हजार्ड बिजली का झटका लगने का खतरा है, मतलब तो इसे इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल हजार्ड जोन। जब मग दिखने में बहुत सिंपल होता है, बट यदि अपन उसके टच हो जाए
तो क्या होगा, बहुत सारा पेन लग जाएगा या पेन होगा, ठीक है। इसलिए इस ट्राइंगल का नाम क्या रखा, ट्राइंगल ऑफ पेन, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, जून, केने में सिंपल मग। सिंपल मग से इसकी ट्रिक है, सिंपल में क्या होता है शुरू में एस और आई, तो एस का मतलब सुपीरियरली, बॉर्डर पे क्या होगा ई यू क्यू रेड, और सिंपल में पी एल का मतलब पी से पेरिटोनियम बनाएंगे इसकी लेटरल बॉर्डर। केवल सिंपल वर्ड से इसकी सुपीरियर और लेटरल बॉर्डर अपन याद कर पाए, ठीक। यस और जो मग है, मग में एम का मतलब मीडियली और जी का मतलब गोनोडल वेसल। अच्छा, इससे पहले वाला जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल ऑफ डूम, उसमें मीडियल बाउंड्री कौन बनाता था, ठीक वास्ट डिफरेंस है, क्योंकि डूम डी का मतलब डिफरेंस, एम का मतलब मीडियली, ओके यहाँ पे क्या है मग, मग का मतलब मीडियली, एम से मीडियली, जी से गोनोडल वेसल्स, ठीक है, ओके ये क्लियर हो गया। तो सिंपल मग से अपने इसकी बाउंड्री याद कर लिया। अच्छा, ज्यादातर इस मग को कौन यूज करती है, फीमेल्स, गलत याद रखने के लिए, याद बात रखने के लिए, है। हाँ ठीक है। फीमेल्स, फीमेल से क्या बनेगा, फिमोरल, तो इसके जो कंटेंट है सब में आएगा फिमोरल, तो लेटरल फिमोरल क्यूटेनियस नर्व, एंटीरियर फिमोरल क्यूटेनियस नर्व, फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटल फिमोरल नर्व एंड फिमोरल नर्व, ये इसके कंटेंट होंगे। अच्छा, ओके आई पहले जेनाइटो फिमोरल नर्व की कौन सी ब्रांच आई थी, थिंक जेनाइटो फिमोरल जेनाइटल ब्रांच, जेनाइटल ब्रांच जेनाइटल ब्रांच, यस यहाँ पे क्या ब्रांच आ रही, फीमोरल आ रही है ये तो उस भूलेंगे नहीं कि ओके जो मग है वो फीमेल काम में आएगी और काम में लेती है, हाँ गलत बात है ये वैसे याद रखने के लिए, लेकिन याद रखने के हाँ लिए, यहाँ पे ठीक फीमेल है, काम आ गई आपके सारी जगह ठीक है। तो दोनों क्लियर हो गए आपको, ट्राइंगल ऑफ पेन और ट्राइंगल ऑफ जून। यस यस अच्छा, और कोई कंफ्यूजन है आपको, यस सर लाइक आपने दो ट्राइंगल तो क्लियर कर दिए जस्ट लाइक ट्राइंगल ऑफ पेन बट जो ट्राइंगल ऑफ बाकी ट्राइंगल्स भी होते हैं तो उनका क्या वो भी कभी करें आप जस्ट लाइक कैलोट्स हैं हिपेटोसिस्टिक है फिमोरल है सो इन सबको भी कभी आप सिंप्लीफाई कर पाए इनका भी निमोनिक्स दे देखिए पाए ऐसे बहुत सारा कंटेंट है जो लास्ट 5 ईयर नीट पीजी आईएनआईसीटी एफएमडी में पूछा हुआ है, और ऐसे कंटेंट्स को सबका वो वीडियो में एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपके एग्जाम पास में आता होगा तो स्लाइड से रिवाइज कर पाते हैं, यस यस जल्दी से सर देख पाते हैं, अभी आपको पता है आईएनआईसीटी 1 महीने बाद है, तो ऐसे कंटेंट्स के लिए हमने स्लाइड्स बनाई हुई है जो इजीली समझ में आ सकती है, जो नहीं आती है उनको हम ऑडियो वीडियो से एक्सप्लेन करते हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सो एक्चुअली सर आपने कोई कंटेंट रेडी कर रखा है इसके हाँ, लिए अभी तक हमने पिछले 1 महीने पहले हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, और इसमें हमने 14 सब्जेक्ट कवर कर लिए, जिनके 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर नीट पीजी के जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं उनके हमने ट्रिक्स बना लिए हैं। तो सर ये कहाँ पर मिलेगा हमें ये टेलीग्राम पे ग्रुप है रजिस्टर्ड मेंबर्स का, जो एम3 एकेडमी के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, उनको हम स्पेशल टॉपिक ग्रुप में ऐड करते हैं। उसमें 19 सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक बनाए हुए हैं, ईच सब्जेक्ट का अलग टॉपिक है, उसमें हमने पहले प्रीवियस ईयर टॉपिक डाले हुए हैं, टॉपिक के बाद में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ईयर वाइज निमोनिक्स की स्लाइड्स डाली हुई है, पिक्टोरियल निमोनिक्स डाले हुए हैं, और जहाँ भी कंफ्यूजन होता है वहाँ हम ऑडियो वीडियो से उनको एक्सप्लेन करते हैं। वेरी नाइस सर अगर इस तरीके से हमें कंटेंट मिल सकते हैं तो हमें लगता है कि एग्जाम क्लियर करने में काफी हेल्प होगी थैंक यू सो मच सर तो होप ऑल ऑफ यू एंजॉइंग अवर सेशंस, इफ यू वॉन्ट मोर सेशन लाइक दिस यू कैन ज्वाइन लाइक स्वाति ज्वाइन अस इन ऑनलाइन सेशंस।